देश दुनिया के इतिहास में 3 फरवरी का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा शुरू होने समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। 1760 में आज ही के दिन सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया था। आज ही के दिन 1815 में विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। आज ही के दिन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वेज नहर पर जर्मनी और उस्मानी शासन की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर हमला किया था। आपको बता दें कि स्वेज नहर उस समय ब्रिटेन के नियंत्रण में थी। 1916 में आज ही के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। 1934 में आज ही के दिन पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसे जिस कंपनी ने शुरू किया था उसे आज लुफ्थांसा के नाम से जाना जाता है। भारत की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। आज ही के दिन 1943 में जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ के बीच स्टालिन ग्राड नामक रक्त रंजित युद्ध समाप्त हुआ था। 1945 में आज ही के दिन रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ शामिल होने के लिए सहमति जताई थी। भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रीमा लागू का जन्म आज ही के दिन 1958 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। आज ही के दिन 1970 में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। 1971 में आज ही के दिन चंद्रमा पर तीसरे सफल मानव युक्त अभियान के दौरान अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 14 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। आज ही के दिन 1972 में जापान के सप्पारो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। 1986 में आज ही के दिन पोप ने कलकत्ता में मदर टेरेसा से मुलाकात की थी। इसके बाद दीन दुखियों की सेवा के लिए मदर टेरेसा द्वारा बनाए गए आश्रम निर्मल हृदय का दौरा किया था। आज ही के दिन 1988 में भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को सैन्य बेड़े में शामिल किया गया था। 1999 में आज ही के दिन विश्व आर्थिक मंच की 29वीं वार्षिक बैठक का स्विट्जरलैंड के दावोस में समापन हुआ था। आज ही के दिन 2003 में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। 2007 में आज ही के दिन चीन ने मल्टीपर्पज नेविगेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। आज ही के दिन 2008 में महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर के चोरी हुए नोबेल पुरस्कार के बांग्लादेश में होने के संकेत मिले थे। 2009 में आज ही के दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन हेतु नया फार्मूला बनाया था। आज ही के दिन 2009 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी खरीदी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़ का निधन आज ही के दिन 2016 में हुआ था। आज ही के दिन 2017 में चेन्नई पोर्ट में 2 तेल के जहाजों की जोरदार टक्कर हो गई थी जिसमें बड़े पैमाने पर तेल फैल गया था। 2018 में आज ही के दिन भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में रिकॉर्ड 4थी बार खिताबी विजय दर्ज की थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।